दोस्तों लेकर आया हूं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक्निकल एम न्यूज़। तो शुरू करेंगे हम इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। यहाँ पर बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में। तो न्यूज यहाँ पर वन प्लस को लेकर, वन प्लस जो है वो अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। हाल ही में यहाँ पर वन प्लस ने वन प्लस 70 और 70 प्रो को लॉन्च किया था, तो ऐसे में यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। और वन प्लस ने और वन प्लस की तरफ से कहा जा रहा है कि वन प्लस 8 में आपको 360 डिग्री वाला कैमरा सेटअप रहेगा, साथ में आप इसमें 3D रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर वन प्लस जो है वो आने वाले टाइम में किस प्रकार से कैमरा सेटअप को लेकर आता है, जो कि इस बार वन प्लस 70 प्रो में हमें सर्कुलर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो ऐसे में आप आने वाले वन प्लस 8 प्रो में हमें और क्या देखने को मिल सकता है वो देखने वाली बात जरूर होगी। दोस्तों बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज यहाँ पर TLC कंपनी को लेकर, TLC जो कंपनी है वो स्मार्ट टीवी को बनाती है और ऐसे में स्मार्ट टीवी को भी लॉन्च कर दिया है TLC में। हाल की बात की जाए TLC की, जो प्रीमियम स्मार्ट टीवी लेकर आती है, तो जो स्मार्ट टीवी उसकी यहाँ पर 85 इंच का स्क्रीन मिलता है, जिसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग 2 लाख रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। और इस प्राइस रेंज में आपको 4K रेजोल्यूशन वाला टीवी देखने को मिलता है, HD पैनल के साथ आता है। और इससे पहले जो TLC कंपनी है उसने बहुत सारे टीवी जो है वो लॉन्च कर दिए भारत में, जो कि 32 इंच, 55 इंच और 65 इंच के टीवी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप टीवी खरीदने का मन बना रहे तो ये टीवी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो न्यूज़ यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो है वो दिवाली सेल मना रहा है, जो कि बिग बिलियन दिवाली सेल यहाँ पर आने वाला है। तो ऐसे में अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हो तो थॉमसन जो स्मार्ट टीवी उसकी प्राइस जो काफी कम मिलने वाली, जो कि आपको 6000 रुपए में 24 इंच का टीवी मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो 32 इंच का टीवी है उसकी जो प्राइस है वो आपको लगभग 9499 रुपए रहेगी। तो ऐसे में अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हो तो इस सेल का लाभ ले सकते हो। दोस्तों बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज यहाँ पर वीवो की तरफ से, यहाँ पर वीवो जो है वो अपने यू सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है चाइना में। हालांकि बात की जाए तो U3 को यहाँ पर वीवो ने लॉन्च किया है चाइना में। इसमें आपको 2 वेरियंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB 64GB और 6GB 64GB ऐसा वेरियंट देखने को मिलते हैं। और प्राइस की बात की जाए तो लगभग बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो देखेंगे आने वाले टाइम में वीवो जो है वो U3 को कब तक लेकर आता है वो देखने वाली बात जरूर होगी। मगर एक रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि वीवो जो है वो अपने सीरीज को यहाँ पर अगले महीने लॉन्च कर सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। दोस्तों बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज है यहाँ पर रियलमी की तरफ से, यहाँ पर रियलमी का स्मार्टफोन अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए खास खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि रियलमी जो है वो अपने दिवाली सेल जो है वो 8-12 बजे से शुरू होने वाला है। और इस सेल में आपको जो रियलमी XT है या फिर रियलमी 5 प्रो जो स्मार्टफोन है उसमें बम्पर से बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको बाय कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो न्यूज यहाँ पर नोकिया की तरफ से, नोकिया जो 6.2 को लॉन्च किया, नोकिया ने 7.2 को लॉन्च किया। अब यहाँ पर नोकिया जो है वो अपने 8.2 के ऊपर काम कर रहा है। और जो नोकिया आने वाले टाइम में, जो कि यहाँ पर HMD ग्लोबल यहाँ पर MWCF की यहाँ पर 2020 में यहाँ पर इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में यहाँ पर नोकिया जो है वो 8.2 को लॉन्च करने वाला है। हालांकि बात की जाए स्मार्टफोन की, देश में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नोकिया जो है किस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन को लेकर आता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे रोजाना ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी वीडियो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।